नमस्कार। हरियाणा सरकार की एक योजना की नई वीडियो लेकर मैं आपका साथी गौरव स्वागत करता हूं YouTube चैनल क्लिक स्टडी पर। साथियों, हरियाणा सरकार ने जो योजना चला रखी है जिसमें 7,000 रुपये नगद मिलने वाले हैं, उसकी लास्ट डेट भी घोषित कर दी है। यानी अब आप 25 जून तक फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल्स जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। यदि आप चैनल क्लिक स्टडी पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ले चलता हूं आपको। ये है हरियाणा सरकार ने किसान 25 जून तक करवा सकते हैं पंजीकरण। जो किसान है उसके लिए योजना है, उसको लेकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गिरते हुए भू जल स्तर को रोकने के लिए और किसानों को कम पानी से जो पकती है फसल उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना चला रखी है, मेरा पानी मेरी विरासत, जिस योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ मिलता है, उसका लाभ लेने के लिए किसान अब 25 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं। यानी अब 25 जून है, उसकी लास्ट डेट घोषित कर दी है। प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये का अनुदान मिलता है हर साल, मेरा पानी मेरी विरासत। इसके अनुसार मक्का, कपास, तिलहन, दाल, चारा वाली फसल और बागवानी की फसलों को धान के खेत में उगाने पर, पहले जहां धान उगती थी वहां के ऊपर इन फसलों को यदि उगाओगे तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देगा, जिसके लिए आपको अपने क्षेत्र के खंड जो अधिकारी हैं उससे संपर्क करना होगा और योजना में पंजीकृत करवाकर जल संरक्षण के लिए आने वाली पीढ़ियों को संचय करना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आपको जो भी आपका कृषि कार्यालय अधिकारी है वहां पर जाकर आपको पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है उसमें स्वयं को पंजीकृत करवाकर अधिक से अधिक धान के रकबे को घटाने में महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि जो धान की फसल है, जहां पर पहले धान उगा करते थी वहां के ऊपर फसलों को उगा करके आप 7,000 रुपये प्रति एकड़, यानी यदि आपने 2 एकड़ में नहीं उगाया तो आपको 14,000 रुपये का अनुदान राशि जो आपको नगद के रूप में मिलेगी वो आप ले सकते हैं। ये योजना चला रखी है मेरा पानी मेरी विरासत, जो पानी को भविष्य के लिए बचाने की रखी गई योजना है। इसी के तहत अब आप 25 जून तक आवेदन करवा सकते हैं। अपने नजदीकी कृषि कार्यालय जो खंड कार्यालय है वहां पर जाकर आप ये पंजीकरण करवा सकते हैं। तो यही सूचना आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी वीडियो यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कुछ नया लेकर।